देखिए कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, बीए एडिशनल बीएड के साथ दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में हैं, फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो बीएड और वहीं से ग्रेजुएशन की हुई है तो माइग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी है ये, मैं पता करके फाइनल करके आपको बता दूंगा। हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर सेम यूनिवर्सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में हो तो माइग्रेशन है, फिर आपका हो गया नहीं एडिशनल, सेम में पॉसिबिलिटी है, फाइनल पता करके आपको बता दूंगा। सर जनरल अवेयरनेस में समझ नहीं आ रहा कितना करें प्लीज, इस पर भी एक वीडियो बना दो, बहुत हेल्प होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जनरल नॉलेज के किसके कोई टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा टेस्ट हो चुका है, दैट इज व्हाई आप प्लीज क्लियर कर लीजिए कि आपने कौन सा टेस्ट देना है, मुझे क्लियर नहीं है, वेरी सॉरी। सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जीएनडी जलंधर कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, देखिए जो मैं वहां बात की थी हिंदी ये लेना चाहते हैं, हिंदी यहाँ पर नहीं है, तो ये रहा हिंदी, हिंदी का एडिशनल सब्जेक्ट में बीएड के साथ रख सकती हूँ। सर जीएनडी जो जलंधर बीए में मेरी इलेक्टिव हिंदी है, हाँ मत छोड़िए हिंदी को आप, सोशियोलॉजी हिस्ट्री जनरल इंग्लिश पंजाबी कंपल्सरी, आपका एसएसटी और हिंदी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको मत छोड़िए। आप तो कॉलेज से अगर लगे हुए हो कि कॉलेज में मिल जाए, मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन फीस की प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाइए, वहीं मैं भी वहीं पढ़ा हूं, मैंने तो 800-900 रुपए में की हुई है ये जो बीएड और एमएड वहां से। अच्छा सब्जेक्ट मेरा एमए भी हिंदी है, देखिए आपका हिंदी छोड़ना नहीं बनता, यहाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज के कारण, ये अभी एग्जाम्पल देके आया हूं दूसरे वीडियो में कि हाउ टू फिल चॉइस फिलिंग जो कैसे करनी है ना, उसी का वीडियो है, बीएससी नॉन मेडिकल की एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर आपकी एसएसटी हिंदी की एग्जाम्पल है, तो एमए हिंदी है, इलेक्टिव हिंदी पढ़िए, हिंदी को तो छोड़िए मत। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट कॉलेज से की हिंदी की नहीं है और ये नई सरकार आई है 2024 में इसने निकाल दी पोस्ट है ना, तो आप हिंदी के लिए तो एलिजिबल नहीं हो, और आप हिंदी के लिए पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो, देखिए 2024 में पीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी और आप एसएसटी के लिए, तीन आपका कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है, बेस्ट है, आप इसकी कुर्बानी देके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो दैट इज व्हाई आई विल नॉट सजेस्ट टू गो टू गवर्नमेंट कॉलेज, यू शुड प्रेफर योर सब्जेक्ट। ओके अगर ये पॉसिबल है कि सब्जेक्ट आपका एडिशनल साथ में हो रहा है, ये मैं भी पता कर दूंगा, फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही रहिए, फिर और कहीं नहीं जाइए। अच्छा एमए हिंदी है साथ में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी हिंदी है, पर हिंदी माइनर सब्जेक्ट में दीदी तो आपने माइनर सब्जेक्ट एसएसटी के अलावा क्या 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 है, पर हिंदी माइनर सब्जेक्ट में दे दी तो अब मैं मेजर सब्जेक्ट एसएसटी के अलावा, नहीं 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 आपको एसएसटी है माइनर में हिंदी मिल गया ना, क्योंकि आपने तीन साल पढ़ा है, क्योंकि आपने तीन साल पढ़ा है, क्योंकि आपने इलेक्टिव पढ़ा है, क्योंकि आपकी एमए है, ये तीन फैक्टर देखिए, ये वाले तीन फैक्टर देखिए, इसके कारण माइनर जो था आपने किया उतनी ही वैल्यू है जितनी मेजर की है, बल्कि यहां पर बहुत थैंक यू आपका, ये ऐसा केस है आपका, यहां पर आपके माइनर की वैल्यू ज्यादा पड़ेगी एसएसटी के अलावा, माइनर के आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो, मेजर से आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए, दैट इज वाई इसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ये हिंदी को नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये नहीं है कि ये मेजर है ये माइनर है, आपके लिए कोई मेजर माइनर नहीं रह गया, आप बस मेजर एसएससी के साथ वहां जाके यहां जिस कॉलेज में हिंदी है वो फिल कर दीजिए, ये बेटर है आपके लिए, जहां जिस कॉलेज में ज्यादा है बहुत ज्यादा जो है, फॉर एग्जाम्पल इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेरे ख्याल में माइनर कितनी ऑप्शन है आप जाके देख लीजिए, किसी और कॉलेज में भी है, एमजेएम कॉलेज में भी है, तो वो जाके देखिए तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेटर क्या है। थैंक यू, माय अंडर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आर, मेरे ख्याल में आपने पूरे नहीं किए, सब्जेक्ट बताए नहीं है आपने, बताया है कि पॉलिटिकल साइंस ठीक है, इंग्लिश है और इलेक्टिव हिंदी है, मेरे ख्याल में इंग्लिश और हिंदी दोनों रख सकते हो, कैसे पढ़े हुए ये नहीं समझ आई, अगर ये जनरल इंग्लिश है, देखिए अगर जनरल इंग्लिश है, इन्होंने कहा है मास्टर इन इंग्लिश है, इट इज मास्टर इन इंग्लिश है, आपको इंग्लिश को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। आपने ये कहा है कि मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ पीजीटी, पर आपने ये नहीं कहा
कि आप किसको प्रेफर करेंगे। मेरे हिसाब से आप पीजीटी इंग्लिश को ही प्रेफर करोगे क्योंकि ऑलरेडी उसकी मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आप तो प्रेफर करोगे अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके पास दूसरी सोशल साइंस है तो आप एसएसटी इंग्लिश लोगे, एसएसटी इंग्लिश। मुझे नहीं पता आपके पास दूसरी सोशल साइंस है, अगर नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश। काइंडली आपको दूसरे सारे सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में बताने होंगे, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है एसएसटी इंग्लिश। इंग्लिश से आप अगर इलेक्टिव इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, अगर इलेक्टिव इंग्लिश भी पढ़ी हुई है तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, एसएसटी के लिए भी। ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन को मत छोड़िए, कॉलेज शिफ्ट बेशक कर लीजिए। मास्टर साइकोलॉजी, वेरी गुड, क्या बात है, शॉर्टकट। मास्टर्स साइकोलॉजी, ठीक है जी। बैचलर्स साइकोलॉजी पब्लिक एड, तो साइकोलॉजी और पब्लिक एड हो गए आपके सोशल साइंस, एसएससी आपका बन गया, ठीक है। एसएसटी क्यों बेटर है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी एसएसटी उसी में आ रही है, इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी इंग्लिश, इसको मत छोड़िए। इसके अलावा टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी, अगर आप लेक्चरर साइकोलॉजी का लगना चाहते हो तो पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी देखिए किसी कॉलेज में है, मेरे ख्याल में पता नहीं है कहीं, आप देख सकते हो पीछे जो लिस्ट दी गई है प्रोस्पेक्टस पे। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका बन गया एसएसटी इंग्लिश, दोनों से आप टीजीटी थ्री ईयर गवर्नमेंट जॉब सबके लिए एलिजिबल बन रहे हो। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप दूसरी एमए करने को तैयार हो कि नहीं, अगर साइकोलॉजी उसके बाद नहीं करनी तो दूसरी प्रेफरेंस आप पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी की भी ले सकते हो, बेटर आपके लिए एसएसटी इंग्लिश है क्योंकि ज्यादा जॉब इसमें होती है। सर वैसे ये भी ठीक है आपके लिए कि आप बाद में पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी का बीएड करने के बाद एग्जाम दे दीजिए, आपके लिए बेस्ट ये है। अब आप एसएसटी इंग्लिश से कीजिए। नेक्स्ट है सर, पीयू चंडीगढ़ ग्रेजुएशन के बाद एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम ऊपर भी वीडियो, हाँ मैं बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बना दूंगा, अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, ये पता नहीं वीडियो में कैसे बना रहा हूँ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, आई विल, थैंक यू। सर बीकॉम दे स्टूडेंट द बेस्ट कॉम्बिनेशन थे, प्लीज वीडियो बन गई है आपकी, बीकॉम पर आ गई है, नीचे लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो, कॉमर्स स्टूडेंट के पर बन गई है। सर कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए करिए दो तीन, ये वीडियो बन गई है कॉलेज, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप वो देखिए, बीएससी नॉन मेडिकल की एग्जांपल है, अगर आप चाहोगे आपके सब्जेक्ट की एग्जांपल देखिए कैसे फिल करना है, कैसे लिस्ट बनानी है वो दे दूंगा। सर चॉइस फिलिंग कैसे होगी, दे दी है, हो गया है, ये वीडियो बन गया है। सर कॉमर्स दे स्टूडेंट लिए बीएड द बेस्ट सब्जेक्ट, ये भी वीडियो बन गया है। सर मैं बीकॉम एमकॉम एमबीए फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग की हुई है, तो मैं मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशन बीएड, आपका कॉमर्स ही बनना है, आप कॉमर्स वाली वीडियो देख लीजिए, इनके लिए बनी हुई है, कॉमर्स ही आपका बेस्ट है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स इंग्लिश या कॉमर्स पंजाबी तीसरा, ये बनते हैं आपके, कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रेफर करनी है नॉर्मली, पर जो फैक्टर है वो उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, आपके फैक्टर जो है उनके अनुसार अपनी च्वाइस आप बदल सकते हो। सर थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर, पर एक क्वेश्चन है कि जलंधर गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस मैथ्स कॉम्बिनेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिकल साइंस मैथ कॉम्बिनेशन है और आपने मुझे साइंस मैथ कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया है, तो अब मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने होंगे, आई हैव डन बीएससी नॉन मेडिकल फिजिकल। हाँ जी ठीक है मैसी, आप ना आपको नंबर दिया गया है डॉक्टर अजेंद्र सिंह, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो बनाया गया है उस पर हाउ टू फिल चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उस पर आप ही की ऐसी ही एग्जाम्पल, यही एग्जैक्ट एग्जाम्पल दी गई है, आपसे मैच कर रही है, अब प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। तो दूसरा है 98729 वाला जो नंबर नीचे इसके दे दूंगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का प्रिंसिपल है बीएड कॉलेज के जलंधर में ही, तो उनसे अगर गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि उनके ये सारे कॉम्बिनेशन उनके कॉलेज में बन रहे हैं, किसी और कॉलेज में भी जाना चाहते हो वो गाइड कर देंगे आपको। सर मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी और इलेक्टिव हिंदी करी है, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी और इलेक्टिव हिंदी करी है, मैंने करी है तो एमए सोशियोलॉजी मैंने की है, प्लीज सजेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर एसएसटी विद हिंदी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स भी है सोशियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी की आप मास्टर है तो आप इलेक्टिव हिंदी की है, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका जी, आपने खुद बना लिया, शाबाश, एसएसटी हिंदी आपका बेस्ट कॉलेज कॉम्बिनेशन है।
नेक्स्ट है, मैंने बीए और एमए क्लासेस अलग अलग कॉलेज से की है सर, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट कौन से क्लास लास्ट जो अटेंड की है, कोई भी है, एमए है अगर तो वहां से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ। ऐसे क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट नहीं कुछ भी करना। सर मैं ग्रेजुएशन में पंजाबी इलेक्टिव हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाबी के है, मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सर आपने पंजाबी को नहीं छोड़ना नंबर एक, क्योंकि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हो गए। इलेक्टिव पंजाबी भी पढ़िए ना आप, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे बीएड के बाद, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है पंजाबी में। ठीक, तो उसके साथ आप क्योंकि ये आपका माइनर होगा, ठीक है, पंजाबी इलेक्टिव आपका माइनर है और ये सभी कॉलेज में अवेलेबल है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आपने हिस्ट्री और फिजिकल साइंस में से चूज करना है, तो आपका इंटरेस्ट देखिए किसमें, हिस्ट्री में ज्यादा या फिजिकल एजुकेशन में, कौन सा सब्जेक्ट टीच आप टीच। बीएड में हमने ये बताना है कि आपने मेथड्स कौन से यूज करने हैं, आपने सब्जेक्ट अब हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप हिस्ट्री को टीच कैसे करना है ये पढ़ोगे। तो मेरे मुताबिक जो है हिस्ट्री की पोजीशन अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हिस्ट्री की पोस्ट ज्यादा निकलती है। मेरे ख्याल में फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है हिस्ट्री और पंजाबी, दूसरा बन रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड पंजाबी। अगर किसी कॉलेज में हिस्ट्री हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन है वो मत लीजिए, आप इलेक्टिव पंजाबी को मत छोड़िए। सत श्री अकाल सर, मैं हूँ बीएड नाल एमए कर सकता हाँ जी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो मेरी दोवें डिग्रियां मनिया जान गया एक टाइम ते, जे कर लवा मैनू लैक्चरां दीआं पोस्टां च कोई दिक्कत तो नहीं आती। सर अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं ना, ये बीएड रेगुलर हो रही है आपकी, इस बात को समझ लीजिए, आप डिग्री कर सकते हो, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी पटियाला बोल दिया है, आप बीएड कर रहे हो मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक से, पंजाबी से या पंजाब से, तो ये रेगुलर हो रही है आपकी, ठीक है। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स, मेरे स्टूडेंट जो एमएड मेरे से करते हैं, इवन पीएचडी कर रहे हैं मेरे से, जो पीएचडी करते साथ साथ में ओपन साथ साथ में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एमए वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप बीएड के साथ साथ ओपन के साथ साथ ये जो एमए पंजाबी कौन सी करना चाहते हो वो देखिए कि उसमें अवेलेबल है। इग्नो में अगर अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल में और कोई ओपन यूनिवर्सिटी जो अगर करवाती है तो वो प्रेफर हो सकती है, अगर साथ साथ में करना चाहते हो तो वैलिड यूनिवर्सिटी से कीजिए, क्योंकि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी लिखा है, जब आपकी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है तो यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ सकते। आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट नहीं बन रही, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में रेगुलर है दूसरी में रेगुलर है ये नहीं होगा। सर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फिजिकल साइंस, साइंस जब आप पेडागोजी ऑफ साइंस लेते हो ना, पेडागोजी जहां टीचिंग ऑफ साइंस लेते हो मतलब बीएड में, ठीक है, तो आप टीजीटी मतलब के सिक्स्थ क्लास से टेंथ क्लास तक के जो टीचर लगते हैं उसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बोलते हैं, उसको मास्टर केडर भी बोलते हैं, है ना, मास्टर केडर जो भी पोस्ट निकली भी हुई है। तो साइंस के साथ आप पेडागोजी बीएड में करते हो टीचिंग ऑफ साइंस है पेडागोजी ऑफ साइंस, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सिक्स से टेंथ तक मास्टर के लेकर। ये क्यों बेटर है, क्योंकि जॉब अवेलेबिलिटी साइंस की मान लीजिए अगर फिजिकल साइंस की पोस्ट 20 निकलती है ना, तो साइंस की कम से कम 400-500-600-1000 निकलेगी और फिजिकल साइंस की 20-30-40 इतनी निकलेगी। दूसरी बात कि साइंस इंटेग्रेटेड सब्जेक्ट है, अगर आपने ग्रेजुएशन में, यहां लिख दिया मैंने ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साइंसेस पढ़ी है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनमें से दो कोई और भी साइंसेस हैं, मैं यहां 3 की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उन दो कोई ऐसी साइंसेस पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है वगैरह वगैरह कोई कई है, तो आपको पेडागोजी ऑफ साइंस मिलेगा, तो आप एलिजिबल हो गए टीजीटी टीचर के लिए। आप टीच किसको करोगे, सिक्स से टेंथ तक मास्टर केडर गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिजिकल साइंस जो है, फॉर एग्जांपल आपने अकेली केमिस्ट्री पढ़ी है या अकेली फिजिक्स पढ़ी है, तो आपको साइंस मिलनी ही नहीं है, अकेली पढ़ी है ना ये फिजिकल के साथ, आपको फिजिकल साइंस मिल गया, फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप सिक्स से टेंथ तक नहीं टीच कर सकते। आप फिर अगर फिजिक्स की जहां केमिस्ट्री की एमएससी कर लेते हो, फिजिकल साइंस प्लस फिजिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो,
तो आप किसके लिए, यहां लेके चलता हूं, 11th और 12th क्लास को सिर्फ इन दोनों को टीच करने के लिए एलिजिबल हो, जिसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको स्कूल लेक्चरर भी बोला जाता है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फिजिकल साइंस. ऐसे ही लाइफ साइंस है तो भी आप 11वीं और 12वीं को टीच करने के लिए हो, पीजीटी के लिए एलिजिबल, प्रोवाइडेड आपकी, क्योंकि हर क्लास को टीच करना है, प्रोवाइडेड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो फिजिकल साइंस. अगर लाइफ साइंस है तो बायो में या लाइफ साइंस की जो और ब्रांचेस है उसमें. तो ये हो गया डिफरेंस साइंस एंड फिजिकल साइंस. सर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा वैसे आपने, है ना, वो इसकी वीडियो बनाऊंगा. सर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, व्हाट आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड बेस्ट सब्जेक्ट जॉब मेजर एंड माइनर कौन सा करो. ये रहा आपका, थोड़ा सा है ऑड कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश लिटरेचर में जो इलेक्टिव इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर, तो आपको ये मेजर नहीं मिलेगा, मेजर नहीं मिलेगा, ये वाला कांटा है. आपको मेजर मिल सकता है पॉलिटिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस. तो अब आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट फिल करने हैं, क्योंकि अगर आप ऑनर की होती आपने तो आपको इंग्लिश मिल जाना था. बहुत शायद एक दो कॉलेज हो जो सीधा इंग्लिश जो लैंग्वेज को मेजर दे रहे हैं. अगर कोई आपके नजदीक कॉलेज है तो आप प्रेफर कर सकते हैं. तो आपको चूज करना होगा पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए करता हूं क्योंकि ना बीएड करके भी वो वाले जो एलिजिबल हैं, ठीक. तो आप पॉलिटिकल साइंस को आपको इसलिए डिस्करेज कराऊंगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आपको पॉलिटिकल साइंस की करनी पड़ेगी. अब आपने ये चूज करना है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आपने नहीं की हुई है तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बाद आप पीजीटी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो. साथ में इंग्लिश का ले लीजिए तो इसके लिए भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, टीजीटी के लिए. अगर आप ये कहते हो कि यार मैं पीजीटी नहीं, मेरा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस की करना चाहता हूं, तो आपका फर्स्ट चॉइस ये नहीं, फिर आपकी हो गई पॉलिटिकल साइंस के साथ इंग्लिश. ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा. आपके दो कॉम्बिनेशन हो गए, फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश. अच्छा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन आपके और बढ़ जाएंगे पंजाबी के साथ इतने भी, पर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, इंग्लिश को मत छोड़िए. दूसरा, हर कॉलेज में इंग्लिश अवेलेबल है, डॉट वरी अबाउट इट. अपने मेजर की ही चिंता कीजिए, आपकी मेजर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन या एडिशनल देना होगा. अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का दे दिया है, पेडागॉजी ऑफ बीएड में रख लिया है ना, पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो बाद में आप पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का एडिशनल पेपर बीएड का दे दीजिए, ऐसे कर लीजिए. नेक्स्ट है लाइफ साइंस. अभी मैं पीछे बता के आया हूं, इस पर वीडियो बना लूंगा, अभी वीडियो बना लूंगा. थैंक यू सर फॉर गाइडिंग. सर डीएवी कॉलेज होशियारपुर गवर्नमेंट में आता है या एडेड में? एडेड में आ रहा है राजी. डीएवी कॉलेज होशियारपुर, दो साल मैंने वहां पढ़ाया है. आई हैव टॉट शिमला पहाड़ी के साथ, है ना, तो वहां मैं हॉस्टल वार्डन भी था. बहुत कमजोर हॉस्टल वार्डन. तो वो एडेड में आता है, मतलब पार्शली एडेड. अब 75% कितनी ग्रांट मिलती है, तो उसकी फीस कितनी होगी, हाँ मेरे है वहां नोन, पता कर दूंगा ये बिटवीन एडेड एंड कॉलेज, मैं पता कर दूंगा आपको, पता करके एग्जैक्ट फीस वो टीचर जानते हैं मुझे, पता कर दूंगा. ये बेशक आप फोन नंबर जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह 9872978981 का, वो वहां से भी आप फोन करके पता कर लीजिए, ये पक्का हो जाएगा. सर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में क्या मतलब, हमारा कॉम्बिनेशन सिर्फ मैथ और साइंस ही होगा, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे. सर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का क्या मतलब है, ये डिफरेंस है, मैं वीडियो बना देता हूं इस पर. हमारा कॉम्बिनेशन सिर्फ मैथ और साइंस ही होगा, मुझे पता ही नहीं आपके सब्जेक्ट इलेक्टिव कौन से पढ़े हैं, क्या आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो क्या क्या पढ़ा है वो बताइए, फिर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा राजी, ठीक है. तो इस पर डिफरेंस पर वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना. सर मैं एमए इंग्लिश इलेक्टिव माइनर लेना चाहता हूं, इलेक्टिव इंग्लिश माइनर लेना चाहता हूं. हाँ ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैंने बीए में नहीं पढ़ा. इलेक्टिव इंग्लिश माइनर क्या है, आपने इलेक्टिव इंग्लिश कैसे, अगर पढ़ा ही नहीं है तो यहां कैसे लिखा है, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? एमए इंग्लिश इलेक्टिव एडिशनल करके बीएड में इंग्लिश ले सकते हो? नहीं, ये बात की बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
लेकिन ये देखिए अभी आपके पास आप अपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तीन इलेक्टिव और जनरल कौन से पढ़े हैं वो मुझे बताइए, फिर आपको बताऊंगा कि आपके लिए अभी बेस्ट क्या है और आप एडिशनल बीएड का कोर्स पूरा करने के बाद आप क्या एडिशनल दे सकते हो। जहां पर आपका क्लैरिटी नहीं हो रही कि इंग्लिश इलेक्टिव एडिशनल करके बीएड में इंग्लिश कर सकते हो, हाँ मिल जाती है, बीएड में तो जनरल इंग्लिश के बेस पर मिल जाएगी ना, बीएड में तो मिल जानी है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तब अलावा आपका क्वेश्चन क्यों अच्छा है, ये करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, दैट इज वाई योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो ये करनी पड़ेगी अगर ये एक दिन बाद होगी आपकी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी साथ साथ में एडिशनल करवाती है इंग्लिश का तो आप दे सकते हो, तो ये पता करना पड़ेगा, मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, वीडियो बन गया नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में देख लें। सर सेंट सोल्जर कॉलेज नियर नेट सीट मैनेजमेंट का बता दो थोड़ा, मैनेजमेंट कोटा की सीट बारे में भी बता देना, मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ मैनेजमेंट कोटे की, है ना। किसी कॉलेज का नहीं एग्जैक्ट फीस बता सकता क्योंकि ये बार्गेनिंग होती है आपकी उसकी, वो कितना पैसा लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं ना, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। हिस्ट्री सोशियोलॉजी इलेक्टिव पंजाबी जर्नलिज्म जनरल पंजाबी मेरे और एमसीए किया है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है ना, आप एसएसटी लीजिए, एसएसटी से आप जॉब गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये पक्की बात है। और पंजाबी आपने जनरल इंग्लिश और जनरल पंजाबी, ये पंजाबी इलेक्टिव पढ़ी है ना, तो आप लीजिए एसएसटी एंड पंजाबी, एसएसटी एंड पंजाबी मत छोड़िए, दोनों की जॉब आपके लिए एलिजिबल है, बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसको मत छोड़िए। नेक्स्ट सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंडर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ही नहीं है, देन यू हैव टू शिफ्ट द कॉलेज। तो आप नेचुरली है कि आपका अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनता आप वहां नहीं जा सकते, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कॉलेज। सर पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती क्वैश हो गई है, उस पर वीडियो बना दो, हाँ बना दूंगा, उसे सबसे ज्यादा मोटिवेट उनको मैं ही किया था, तो उस पर हाँ बना दूंगा अभी, थैंक यू इसके लिए भी लिख लू यहाँ पर। सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में फिर हिंदी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इलेक्टिव हिंदी पढ़ी है और एमए हिंदी की हुई है, इलेक्टिव हिंदी ही पढ़ी है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर सब्जेक्ट, क्योंकि पंजाब में हो तो गवर्नमेंट पोस्ट निकालेगी, आप हिंदी के लिए नहीं एलिजिबल हो गए, आप एडिशनल देना पड़ेगा, एक साल बाद एलिजिबल हो गए, फिर आप अप्लाई करना पड़ेगा आपको, दैट इज वाई आपको हिंदी प्रेफर करनी चाहिए। सर बस इतने ही गवर्नमेंट कॉलेज, यस हमारी गवर्नमेंट ने वो पुरानी से पुरानी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, अब कोई गवर्नमेंट नहीं, अब वो लेना चाहती है आपसे सभी आपसे फीस, आपको पता है कि फीस पर जीएसटी लग रहा है, मतलब हायर एजुकेशन का तो गवर्नमेंट कुछ मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, कहा जा सकता है। गुड मॉर्निंग सर, यू आर डूइंग ग्रेट, माय ग्रेजुएशन कॉम्बिनेशन इज वाज इलेक्टिव इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका मेन हो गया, यस तीन साल पढ़ा है, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा बन रहा है आपका, एसएसटी आप बेस्ट आपका बन रहा है, एसएसटी और इंग्लिश को मत छोड़िए, टीजीटी के लिए दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सीधे। दूसरा आपने इंग्लिश को छोड़ा है, इंग्लिश आपको माइनर मिलेगा, हर कॉलेज में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इजिली सीट भी मिल जाएगी, अगर आप किसी उससे कॉम्प्रोमाइज, मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना, बस मैं डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली लेट मी नो द बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद अगर नेक्स्ट करना है तो आप इकोनॉमिक्स के साथ इंग्लिश, ये आपका सेकेंड बन रहा है, ठीक है, ये आपका इसलिए वीक है क्योंकि इंग्लिश की आपकी पीजी नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की आपकी पीजी है, आप इसके लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होगे, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, आप इसके लिए पीजीटी के लिए तब होगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, दैट इज वाई प्रेफर एसएसटी इंग्लिश, इसको मत छोड़ो, बाद में एडिशनल करते रहना, इकोनॉमिक्स अगर करना है इसको मत छोड़ो। थैंक्स इन एडवांस, ब्लेसिंग। आई हैव डन बीएससी विद बॉटनी बायो केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री और मेजर सब्जेक्ट एमएससी इन बायो केमिस्ट्री, तो आपका बायो मेरे ख्याल में लाइफ साइंस वाला बन रहा है, उसको मत छोड़िए, सजेस्ट मी द कॉम्बिनेशन, थैंक यू। आपका बन रहा है बॉटनी केमिस्ट्री एंड आपका बन रहा है सीधा बन रहा है ये वाला आपका बन गया साइंस और बॉटनी के बेस पर आपका बन गया लाइफ साइंस। मैं इसलिए लाइफ साइंस रखा हूं क्योंकि एमएससी आपकी बायो में केमिस्ट्री में है, ठीक है,
अगर ये मिलता है दूसरा आपका एक हो गया आपका नोट कर लीजिए साइंस विद लाइफ साइंस, दूसरा साइंस विद फिजिकल साइंस, अगर ये मिलते हैं ये दोनों को प्रेफर कीजिए। इसके अलावा आपके बनेंगे साइंस के साथ इंग्लिश, ये बहुत ज्यादा पीछे है क्योंकि इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एडिशनल देना पड़ेगा इलेक्टिव इंग्लिश का ग्रेजुएशन का बीएड के बाद, दैट इज व्हाई ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन। थैंक यू डॉक्टर प्रिय सिंह, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो।